हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 7। लास्ट पीरियड में हमने डिस्कस किया था, चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल इक्वेशन जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी का ही 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो हमें चेक करके बता रहे हैं कि जो गिवन ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उसका एक सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक है इसमें। जो वैल्यू हमें पुट करनी है एन इक्वल टू 1, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एन प्लस 5 इक्वल टू 19, उसके ब्रैकेट में हमारे पास गिवन है एन इक्वल टू 1। तो सिंपल है, एन की वैल्यू हमें 1 पुट करके देख रहे हैं। अगर एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ गया तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो हम चेक करते हैं 1 बाय 1। एक बार एन प्लस 5 इक्वल टू 9, एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट एन इक्वल टू 5, क्योंकि ब्रैकेट में 1 हमारे पास गिवन है, एन इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं। 1 प्लस 5 इक्वल टू 19, 6 इक्वल टू 9, क्या 6 19 इक्वल हो गया? नॉट। सो एन इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो दैट n equal to 1 is not a solution of given equation. Given equation का solution नहीं है, क्योंकि LHS और RHS equal नहीं है। B part देखते हैं, n equal to minus 2 given equation का solution है या नहीं, इसको check करके देखते हैं। वही चीज पुट करने पर एल एच एस और आर एच एस इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो सोल्यूशन है, और नहीं है तो, अगर इक्वल नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं। तो पुट करते हैं, पुट एन इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस टू ही गिवन, तो एन की जगह आपको रिप्लेस करना है माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 9। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7 टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 19। माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आता है, लेकिन प्लस का माइनस का माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट के साथ साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का 9 इक्वल टू 9। क्या माइनस का 9 19 के इक्वल होता है? नॉट। एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। सो दैट वे लाइन फिल करनी है, सो दैट n equal to minus 2 is not a solution of given equation, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आप है वो अटेंड कर सकते हो। अगर आपके पास एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ गए तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बाकी के क्वेश्चन आपको अटेंड करने, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको पूछ लो।